हमारी भट्टी खाने के लिए लोग शाहदरा से गुड़गांव से आते हैं यहाँ मैम। आसपास इस रेसिपी की कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं जो लोग देसी घी में प्रिपेयर करें। आप खाओगे तो उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। या एक बार आओगे बार बार आओगे और कम खाओ अच्छा खाओ। पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा सिवाय बबलू चिकन के। तो मुझे बताइए कि चिकन कितना है? 10 चिकन है। 10 चिकन है पूरे? तो इतनी जो क्वांटिटी बनने जा रही है ये आज की आज सारी निकल जाएगी? आज के लिए है। ये हमारा अदरक का पेस्ट है, ये दही है हमारी, हरी मिर्च पेस्ट है, ये काजू पेस्ट है, ये हमारे मसाले हैं, मिक्स मसाले। ये सीक्रेट मसाला बोलते हैं क्या? हाँ जी। सबसे पहले हम डालते हैं इसमें। तो कितना डालेगा इसमें? क्वांटिटी के हिसाब से। अच्छा, क्वांटिटी के हिसाब से। तो आपको पूरा तजुर्बा है? पूरा। कितने सालों से बना रहे हैं आप? 10 साल से बना। ये तो अभी लॉन्च हुआ, 10 साल से कर रहे हैं हम पब्लिक। ये मिर्च पेस्ट है। अच्छा, मिर्च पेस्ट है। अच्छा, ये रहा हमारे पास दही। अच्छा, ये दही डल रही है। और ये डल गया इसमें काजू। तो ये मैंने एक चीज देखी यहाँ पे कि कोई कंजूसी नहीं हो रही है, मतलब काजू डलना है, हर भर के डलेगा सब, कोई कमी नहीं है, कोई कंजूसी नहीं है। ये क्या भैया? बेसन का पेस्ट है, भूजा हुआ बेसन। भूजा हुआ बेसन, ये रहा हमारा सीक्रेट मसाला। तो यही जान डालेगा भट्टी चिकन में? बिल्कुल। तो मतलब जितनी चीजें पड़नी थी वो सारी डल गई? सारी डल गई। तो अभी लास्ट में क्या डालेगा इसमें? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डालेगा। तो मुझे बताइए भैया कि जो एक बार ये खाता है फिर दोबारा जरूर आता है? बिल्कुल, ऐसा मैरिनेट होने जा रहा है। आज हम आपको ऐसा चिकन दिखाने वाले हैं जिसने कि सारे तंदूरी चिकन और सारे तंदूर के आइटम को फेल कर दिया है। हाँ जी। तो इसको मैरिनेट करके कितनी देर तक रखा जाता है भैया जी? तो मिनिमम 3-4 घंटे, उसके बाद ऑर्डर आने पर। अभी हम सीख को लगाए जा रहे हैं। तो कितनी सीखे तैयार हो जाएंगे इससे? 10 चिकन होंगे, आप करके लगाते हैं 20 सीखे होंगी। 20 सीखे तैयार हो जाए। तो भैया खासियत क्या है इस चिकन की? सब चिकनों से हटके है, मसाले बिल्कुल अलग है। तो भैया मुझे बताइए इसका प्राइस क्या रहता है? बट्टी चिकन का है 500 और हाफ और क्वार्टर का हाफ है इसमें 300 रुपए। तो भैया मैंने एक चीज सुनी है कि यहाँ पे सिर्फ देसी घी में चीजें बनाई जाती है। हमारी तवा की आइटम है, तवा की आइटम है, सारी देसी घी में बनती है। तंदूर में जा रहे हैं, हाफ डन हो रहे हैं, इसमें 10 से 15 मिनट रेडी हो जाएगा। ये ढक्कन लगा दिया, 5 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे, फिर पलट के चेक करेंगे। ये रेडी हो गया हमारा, फुल डन हो गया। मेरा नाम मैम राज छाबड़ा है, आई एम द मैनेजर इन बबलू चिकन। बबलू चिकन इतना फेमस है मैम, इसकी रेसिपी जो है पूरी प्योर देसी घी में है। और ये आसपास इस रेसिपी की कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं जो लोग देसी घी में प्रिपेयर करें, इसलिए मैम ये ज्यादा फेमस है। ये हॉट सेलिंग भट्टी चिकन है, लाहौरी है, बेली राम चिकन है, और बाकी सारी चिकन हमारी सारी हॉट सेलिंग ही है। आज हमारा जो फेमस है हॉट सेलिंग है भट्टी चिकन। आप खाओगे तो उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। अरे वाह। हमारी भट्टी खाने के लिए लोग शाहदरा से गुड़गांव से आते हैं यहाँ मैम। 1.5 साल से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है जब से खुला है। मैंने सुना है कि यार वो तंदूरी चिकन को बहुत पीछे छोड़ देता है। बहुत पीछे छोड़ता है मैम, भट्टी चिकन जो हमारा है सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग यही है, भट्टी चिकन ही। भट्टी चिकन ही जी। है। एक क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम, ये हमारा भट्टी चिकन बनके रेडी हो। आज हमने बनवाया भट्टी चिकन जो कि तंदूरी चिकन से बिल्कुल ज्यादा डिफरेंट है। तंदूरी चिकन खाना भूल जाओगे ऐसा इनका कहना है। सो दिखने में मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है, डिश बिल्कुल ही ज्यादा डिफरेंट लग रही है। इसे जो सर्व करा है वो ग्रीन चटनी और यहाँ पे अनियन सैलेड के साथ इसको सर्व करा गया है। साथ में मैंने रुमाली रोटी ली है, रुमाली रोटी के साथ इसका कॉम्बिनेशन मजेदार होता है। तो बात करें इसके प्राइस की तो 500 रुपए इसके फुल का प्राइस है और हाफ है इसका 300 रुपए का। क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजेदार मिलती है। टेस्ट मैं भी आपको बताती हूँ, इतनी आसानी से टूट गया, बहुत बढ़िया। तो जो मुझे इसका टेस्ट है ना वो टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लगा। दही का टेस्ट आ रहा है, काजू की जो हमने ग्रेवी डाली थी उसका मजेदार सा टेस्ट आ रहा है, सरसों के तेल का टेस्ट आ रहा है, ओवरऑल जो फ्लेवर्स आ रहे हैं ना वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। 2:30 बजे से हम शुरू कर देते हैं ग्रेवी वाली आइटम में, बाकी शाम 6 बजे से सारा प्रॉपरली सारे स्नैक्स वगैरह सर्व किए जाते हैं। रात 11:30 बजे तक हम ओपन है। एक बार एड्रेस बता दीजिए। ये जीपी डीपी ब्लॉक है, पीतमपुरा मौर्या एनक्लेव। तो मैं तो यहाँ पे फुल ऑन रिकमेंड करती हूँ कि आप बबलू चिकन पे आके ना एक बार भट्टी चिकन जरूर ट्राई करें।